गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल मिक्स्ड टॉपिक जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो और साथ में लेवल ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट करना हो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ भी आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें ईओक्यू एंड लेवल ऑफ स्टॉक बहुत कैलकुलेट करना है। ये देखिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक्स वाई जेड 2000 यूनिट्स पर मंथ प्रोडक्शन करता है। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10 kg, कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपया पर kg, कंजम्पशन है 100 kg से 400 kg। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी फ्रॉम 100 kg टू 400 kg पर वीक। 100 हो गया मिनिमम, 400 हो गया आपका मैक्सिमम। रीऑर्डर पीरियड 4 to 8 weeks, 4 वीक हो गया मिनिमम, 8 वीक हो गया आपका मैक्सिमम। एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन, देखिए नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन जो आप बोलिए, ये दे दिया है 250 kg, नहीं देने के केस में इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दे। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, वो जिसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 130 रुपया, कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम है। आपका कॉस्ट था 10 रुपया केजी था, उसका 20% 2 रुपया। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए। रीऑर्डर लेवल है मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल, तो हो गया ईओक्यू और लेवल ऑफ स्टॉक। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ही प्रॉब्लम से ईओक्यू निकालना है और लेवल ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी को ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देंगे हम लोग रूट अंडर 2AO/C, वेयर ए इक्वल टू देते हैं एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन ओ इक्वल टू देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी इक्वल टू देते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्वेश्चन में इसको आपको देखना होगा एक बार। आप देखो, कंजम्पशन वेरी करता है 100 से 400, 100 हो गया मिनिमम, 400 हो गया मैक्सिमम। एवरेज दिया है, नॉर्मल दिया है 250, ये जो भी है ये पर वीक है, इसको एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन मिनिमम मैक्सिमम से नहीं करके नॉर्मल से किया जाता है। तो नॉर्मल आपका 250 केजी पर वीक है और एक साल में आपका 52 वीक्स होगा, इनटू कर देंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए 130 रुपया दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट 20% है, कॉस्ट पर केजी 10 रुपया, तो 10 रुपया का 20%। तो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन देते हैं 250 × 52, क्लियर, 250 × 52, ये हो गया आपका 13,000 kg। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट 130 दिया हुआ है और कैरिंग कॉस्ट 10 रुपया पर केजी का 20%, दैट इज 2 रुपया मिला। अब हम इसको फिलअप करते हैं, 2 × 13,000 × 130 और डिवाइडेड बाय 2 रुपया, तो ये आ जाएगा आपको 1300 केजी।
यस 1300 केजी हो गया ईओ की, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ये देखो आप रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा गया था, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन आपका 400 है और रीऑर्डर पीरियड में 8 होगा। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो मैक्सिमम कंजम्पशन 400 है, अब पीरियड 8 है, आपका 3200 केजी। तो रीऑर्डर लेवल हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन 400, अब पीरियड 8, 3200। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला देते हैं, नंबर 3 मैक्सिमम लेवल इक्वल टू होगा रीऑर्डर लेवल, अभी अभी निकाले हैं, अब प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसके पहले आया है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, अब देखिए रीऑर्डर लेवल अभी अभी आया था 3200, रीऑर्डर क्वांटिटी 1300, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम पीरियड 100 इंटू 4, ये हो गया आपको 4500 माइनस 400, रिजल्ट विल बी 4100 केजी। आप थोड़ा सा एक बार देख लो, ये देखो रीऑर्डर क्वांटिटी 1300, रीऑर्डर लेवल देखो 3200, तो 3200 प्लस 1300, कंजम्पशन मिनिमम 100 है, मिनिमम टाइम 4 है, तो ये हो गया 400, ये हो गया आपका 4100। ठीक है, और एक देखो आप मिनिमम लेवल निकालना है, तो मिनिमम लेवल का हमको फॉर्मूला देना होगा, नंबर 4 मिनिमम लेवल, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या नॉर्मल बोलिए कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो रीऑर्डर लेवल तो अभी निकला ही था, जानते ही हम लोग 3200, एवरेज कंजम्पशन भी पता है 250, एवरेज पीरियड का बात करें तो 4 से 8 हाफ कर देंगे 2, 4, 8, 12 हाफ कर देंगे 6, 2, 1500, रिजल्ट हो जाएगा 1700 केजी। क्लियर है, तो सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना था, ए चाहिए था, ए में यहां पे हमेशा एवरेज कंजम्पशन को एनुअल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो 250 एवरेज पर वीक था, तो पर वीक 52 से इंटू किए एनुअल में चला गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ था, कैरिंग कॉस्ट 1 केजी का दाम का 20% 2 रुपया, इसको लाके फिलअप किए 1300 आ गया रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम 400 इनटू 8 3200, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम इनटू मिनिमम, आंसर आ गया 4100। इसके बाद मिनिमम लेवल का बात था, मिनिमम लेवल में आ जाता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज, एवरेज कंजम्पशन दिया था, ये पीरियड एवरेज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, जिसमें आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू भी कैलकुलेट किए और साथ में लेवल ऑफ स्टॉक निकाले। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।